हजरत में ये कह रहा था ये कि तीनों हाफिज़े कुरान हुफाल खड़े हो गए और सीना सिपर होकर के दुनिया वालों से कहते हैं हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारे लोग पढ़े मेरे साथ, हक का पैगाम मिट नहीं। जो कुरान जला रहे हैं, कुरान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, वो एक अपने लखनऊ का भी तो था ना, वसीम नाम का, वो अब तो सुना कुछ और नाम हो गया है उसका। वो कुरान बदलने चला था, कुदरत ने उसी को बदल दिया, वो खत्म हो गया, मिट गया। अब तो हुकूमत ने भी उसको लात मार दी, ना दुनिया का रहा, ना दीन का रहा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर का उधर के रहे। वहां तो पिटाई होना ही है, मगर यहां भी रुसवाई शुरू हो गई। अरे ये कुरान का मौजजा नहीं है तो और क्या है? जो कुरान से टकराता है वो जलील और ख्वार हो जाता है। कुरान रब की किताब है, जो कुरान को मिटाने की बात करेगा मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी, चर्चा तेरा। वाह वाह वाह, ये तीन बच्चे तो तुम्हारे तशरीह उलूम के, और अगर मैं मदारी जोड़ लूं पूरे सुवार के जिला रामपुर के, तो मियां 1000 तो जिला रामपुर ही में निकल जाते होंगे हुफाज। मैं तो ये देख रहा हूं जितनी मुखालफत बढ़ रही है कारी अहमद अली साहब, उतने ही हुफाज बढ़ रहे हैं। पहले मस्जिदों के मुतवल्ली तलाश करते थे, मुफ्ती शाहिद साहब के पास पहुंच गए, रामपुर में मौलाना कमर साहब के असाजा, हम सबके असाजा रहते हैं वहां पर, उनके पास पहुंच गए कि साहब हमें हाफिज जी की जरूरत है। पहले हाफिज कम थे, मस्जिदें ज्यादा थी, अब हालत यह है कारखाने भी कम पड़ गए, मस्जिदों को कम पड़े हुए तो काफी जमाना हो गया। अब तो बात यह है कि एक एक मस्जिद में कई कई हाफिज कुरान शरीफ सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। वो कह रहा है कुरान मिट जाएगा, मगर जमीनी सच्चाई ये कह रही है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खौसे आजम, अजमते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर सबको, आप सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको खुश रखे। जरा जोर से बोले, तीनों बच्चों की तरफ से पढ़ रहा था, हक का पैगाम मिट नहीं। पूरा मजमा पढ़े, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, चूंकि मुझे अपने दोनों मेहमानों का ख्याल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन स्टेजी लोगों में से हूं जो अपने बाद वालों को ख्याल करता हूं। और भी हैं मगर मैं भी उनमें से हूं, ख्वाह मुझे 30 मिनट बोलना पड़े, उसकी वजह यह है कि मैं इनके बाद होता तो मैं भी तो वेटिंग लिस्ट में ही होता। इसलिए ख्याल रखना चाहिए अहले स्टेज को भी एक दूसरे का। माशाल्लाह मुझसे पहले वालों ने मेरा ख्याल किया तो मैं अपने बाद वालों का ख्याल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़िए जरा जोर से, सुभान अल्लाह। हक का पैगाम मिट नहीं सकता दीने, अरे आप तो दुआ दे दो बुजुर्गों, हमारे वही काफी है। ये पैसा देने के लिए तो जवान बहुत हैं, आप तो बड़े हैं हमारे, माशाल्लाह बैठिए, अल्लाह खुश रखे आपको। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीने का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भी, बहुत। अरे बहुत सी मुर्गियां हलाल हो गई कुरान को मिटाने वाली। और तस्लीमा नसरीन थी बांग्लादेश की, ऐसी बीमारी में गिरफ्तार है कि बता भी नहीं सकती। सलमान रुश्दी था वो भी टेढ़ा हो गया, और ये अपने भारत में ये था जिसका मैंने जिक्र किया। मनहूसों का ज्यादा नाम लेना सही नहीं है पाकीज़ा जलसों में। मैंने तो एक दिन वीडियो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, तो उसमें ऐसे रो रहा था जैसे बिल्ली, जैसे वो जो खिसियानी बिल्ली खंबे को नोचती है, वो तो ये अच्छा के खंबे पे करंट नहीं आ रहा वरना वही पिचक जाएगा। अरे जिल्लत उनके मुकद्दर में है जो कुरान से टकराएगा। और नानकार वाला वालों से सबक हासिल करो, खुशी होती है माशाल्लाह देख रहा हूँ। मुझे बता रहे थे नवाब भाई ने भी बताया, मौलाना कमर साहब ने भी बताया कि माशाल्लाह इस बस्ती के लोग अल्हम्दुलिल्लाह उन बस्तियों जैसे हैं जो बच्चों को बिल्कुल आल औलाद की तरह पालते हैं। मेहमान सखावत तो नजर आ ही रही है माशाल्लाह, और जो बाकी बाद में नजर आ जाएगी उस्मान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सखावत तो है ही माशाल्लाह। मेरी तरफ देखिए जरा, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। भाई अब तो तकरीर मुख्तसर होगी अजीज, उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, उतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बस ये वाकया सुनाओ फिर तकरीर खत्म, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी तुम आबाद रहो। बहुत अच्छा बोल रहा, तभी तुम आबाद रहोगे। देखो
तालीम हुजूर इल्म के बारे में पता क्या कहते हैं, इल्म उजाला है। इल्म हसन भाई जब उजाला होगा तभी तो अंधेरा खत्म होगा। आज गांव-गांव में झगड़े क्यों होते हैं पार्टी बंदी के, खानदान के, ग्रुप बंदी के? हमारे यहाँ मुसलमानों में ये बहुत बड़ी कमजोरी है। बल्कि मैं तो गैर मुस्लिमों से भी कहता हूँ, भाई लड़ने की क्या जरूरत है, मत लड़ो। अल्लाह ने पैसा दिया है तो संभाल के रखो, बच्चों को पढ़ाओ, MBBS बनाओ, आलिम भी बनाओ, फकीह बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मगर पहले उन्हें दीन की जरूरी तालीम दो। ऐसा ना हो कि है तो करोड़पति, अब्बा का जनाजा रखा है तो नापाक दूर खड़ा हुआ है, रू तड़प रही होगी कि बेटे तेरे लिए मैंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और तू इतना बदनसीब, तेरा बाप भी बदनसीब कि तेरे बाप को अपने बेटे की दुआए जनाजा नसीब न हुई, और तू ऐसा बदनसीब है कि तुझे अपने अब्बा का जनाजा नसीब नहीं हुआ। तब एहसास होगा तो उस अमीर से तो वही गरीब अच्छा जो रक्षा चलाता है मगर बेटा मदरसे में कुरान सुनाता है, और जब जनाजा रखा हुआ होगा सामने वो हाफिज कुरान, अगरचे वो नाजरा ख्वाह हो, हाफिज ना हो, नाजरा ख्वाह हो, मगर सही तलफ्फुज के साथ कुरान शरीफ पढ़ता हो, वो जब मुसल्ले पे खड़े होके कहेगा ना अल्लाहु अकबर, उसके बाद सना पड़ेगा, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पड़ेगा, तीसरी तकबीर के बाद पड़ेगा अल्लाहुम्मा रब्बि इग़फिर ली हय्यना व मय्यतना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान। एक बेटे के दिल में अपने बाप के लिए जो दर्द होगा, जो सोज़ो गुदाज होगा, वो दूसरों के दिलों में शायद नहीं होगा, और दुआ तभी ज्यादा कबूल होती है जब दर्द ज्यादा होता है, लगन ज्यादा होती है और रिक्कत ज्यादा होती है, दिल भी रो रहा है, आंखें भी बरस रही हैं, मालिक मेरे बाप का साया सर से उठ चुका है, वो बाप जब मैं घर से पढ़ने जाता था कर्जा औरों से लेता मगर मुझे देता था, वो बाप जो जुमेरात को छुट्टी के दिन इंतजार करता था और जब तक मैं पलट के ना आ जाऊं मेरा बाप खाना नहीं खाता था, या माँ का जनाजा रखा है तो दिक्कत तारी है रहा है, तो आए जनाजा पे पढ़ के फारिग हो गया, चौथी तकबीर कही नमाज से फारिग हो गया और उसके बाद रो रहा है, कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, है तो गरीब का बेटा मगर उसके बाप की रूह मचल रही है, मालिक मेरे बेटे ने दौलत तो नहीं कमाई मगर जन्नत में जाने का सामान हो गया है, मेरे लिए दुआएं मफरत कर रहा है, रब के करम से उम्मीद है रब फरमाएगा फरिश्तों इसकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दो, फरिश्ते कहेंगे मौला नामा आमाल नेकियों से खाली है, गुनाह बहुत ज्यादा है, रब कहेगा फरिश्तों में गफ्फार भी तो हूं, मैं सत्तार भी तो हूं, मैं गुनाहों को बख्शने वाला हूं, रहीम हूं, मैं करीम हूं, ए फरिश्तों तुम इसके नामे आमाल को देख रहे हो, मैं इसके बेटे की दुआओं को देख रहा हूं, इसके बेटे की तिलावत को देख रहा हूं, इसलिए मैंने कहा हमारे बहुत से मिलने वाले माशाल्लाह MBBS डॉक्टर हैं मगर क्लिनिक में कुरान, हमारे संभल में क्लिनिक में कुरान शरीफ रखते हैं, डॉक्टर भी बनो। मैंने ये कहा तुमसे कि गांवों में देहात की जिंदगी में सारी बातें बहुत अच्छी है, खाने की चीजें अच्छी मिलती हैं, आबो हवा अच्छी मिलती है, अपने दालानों पे बैठकों पे दरख्त होते हैं माशाल्लाह, लेकिन ये झगड़े जो होते हैं ना छोटी छोटी बातों में, ये बहुत डेंजर चीज़ है भाई साहब, झगड़ों से तो बचो, जैसे मास्क लगा के कोरोना से बचते थे ना, ऐसी गर्दन दबा के झगड़ों से बच जाओ, इसी में भलाई है, अपने बच्चों को काम काज पर लगाओ, सारे बदले तुम मत लो, क्यों मुझे ऐसे कह दिया, घूर के देख रहा था, अब राइफल निकाल, उसने डंडा निकाला तुमने राइफल निकाली, अरे डंडे के बदले में डंडा भी ना निकालते हम, तो ये कह रहे हैं मगर निकालते चलो डंडे ही निकाल लेते, मगर राइफल निकाल करके लाए, गुस्सा आपे से बाहर है, कुछ फैसले अल्लाह पे भी छोड़ दो, बदला लेने वाली जात अल्लाह की जात है, वो इंतकाम ले लेगा, तुम बर्दाश्त कर दो, तुम बर्दाश्त करो, कहते हैं कि पीछे हटने से अगर लड़ाई बचती हो तो हट जाना चाहिए, अपना भी फायदा है मुखालिफ का भी फायदा है, और मुखालिफ को यह सोचना चाहिए, मैं भी देहात में रहता हूं मौलाना कमर साहब मुझे पता है, जो हालात देहात के रामपुर में है ना वही हालात संभल में है, देहात की जिंदगी बहुत अच्छी होती है मगर झगड़े बहुत होते हैं, अरे इलेक्शन खत्म हो गए, जिसने जिसे वोट दे दिया यार बात खत्म, अपनी अपनी मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे, कोशिश करो मगर आपस में भी दुआ सलाम रखो, हमारे अंदर कोई खानदानी दुश्मनी थोड़ी है, दीन की दुश्मनी थोड़ी है, हमारी तरफ कई गांव है माशाल्लाह, दोनों प्रधान आपस में दुआ सलाम करते हैं, दूसरे के घर पर जाते हैं, मैं तो चाहता हूं हर जगह यह माहौल बने, और दूसरा अगर सलाम नहीं करता तो उसका किरदार है, तुम झुक के सलाम करो, हसन वो शेर याद आ रहा है कि अदब से झुकता
करता है, झुककर सलाम करता है। फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के वो बढ़कर सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। तुम सलाम करोगे एक दिन उसे शर्म आ ही जाएगी। अदब में जरा तरन्नुम में पढ़ देता हूँ जरा। अदब से झुकता है झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, झगड़े खत्म करो, बच्चों को पढ़ाओ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। हो सकता है पार्टी बंदी चलती रहती है, सबकी अपने अपना एक वो है, लेकिन मुझे आजम खान साहब का एक जुमला बहुत अच्छा लगा भाई। उन्होंने बोला था कहीं पे, वो मैंने और जगह तकरीर में बोला, सबके अपने अपने मफादात होते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उन्होंने एक जुमला बोला था कि अपनी नस्लों के बारे में अगर तुम भी नहीं सोचोगे तो सात समंदर पार से तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम्हें ही पढ़ाना पड़ेगा। देख तालीम का ज़ौक कैसे होता है। हज़रत इमाम अबू यूसुफ अल-मुतवफ़ा 182 हिजरी, इमाम आज़म अल-मुतवफ़ा 150 हिजरी, ये शागिर्द हैं इमाम आज़म के, बड़े ज़हीन थे, मगर माँ घर की हालत सही नहीं थी इमाम अबू यूसुफ की। तो एक दिन देख लिया इमाम आज़म ने, पेशानी समझ के बच्चा ज़हीन है, और कहा बूढ़ी औरत इस बच्चे को मुझे दे दे, मैं तेरे बच्चे को पढ़ाऊँगा। यार टीचर भी हो तो फिर हमारे इमाम आजम जैसा। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। बाज़ बाज़ इमाम आजम की इल्मे हदीस पे बात करते हैं, वक्त होता तो बताता, इमाम आजम की बात करते हो। अरे हमारा इमाम आजम तो खुदा की कसम वाकई में आजम ही है। हक है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान। इमाम शाफई इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं और इमाम मोहम्मद इमाम आजम के शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कहा बूढ़ी अपने बच्चे को भेज दे, तो बाज़ औरत, हालांकि वो बिला शुबा उनकी माँ थी, मगर उनका जौक नहीं था पढ़ाने का, और आप खामोशी से ले आते थे। अरे अबू यूसुफ, कहा याकूब नाम था, कहा याकूब बेटे आ जाया कर। अब वो चले जाते तो उनको भी जोक था, और इल्म की प्यास तो ऐसी होती है कि मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। एक दफा जोक हो जाए, कितने बच्चे अशरफी में पढ़ते थे पूछो कमर भाई से। हम लोग तो खैर घर से माली हालत में ठीक थे, कितने बच्चे ऐसे थे, एक बच्चा था नहीं वो बिहार का, वो कई बच्चे थे कि रमजान शरीफ में जो नजर, ये जो आजकल नजरानों पे भी एतराज करते हैं ना मसाजिद के, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने कारोबार बनाया, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको मिलता है खुशी से, उस पर भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तो रमजान शरीफ में जो नजराना मिलता था, उस नजराने से पूरे साल की तालीम का खर्चा करता था। बरकाती हॉस्टल में वो बच्चा रहता था, तो बड़ा ख्याल वो बताता था अपने हालात के, हजरत आधा नजराना मैं घर पे दे देता हूँ हसन भाई, और आधा नजराना मैं अपने लिए पढ़ता था। वो उसको प्यास थी इल्म की, ये तो प्यास ही ऐसी है, लग जाए तो खत्म कहाँ होती है। फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी फरमाते थे कि पढ़ने की शुरुआत तो यानी पढ़ने की शुरुआत तो तब होती है जब फारिग हो जाता है बच्चा, वो तो जौक। अरे इल्म तो एक समंदर है ना, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उसकी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पे भी कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं, आला हजरत का लिखा हुआ फतावे रजविया का खुतबा नहीं पढ़ा जाएगा इन ऐन गैनों से। हाँ आला हजरत को बाद लोग कहते हो सिर्फ मौलाना ही तो थे, अबे मौलाना नहीं थे, पढ़ के देख आला हजरत को। वो हजरत शर्फ मिल्लत ने कहा था कि क्या था वो शेर कि मीनारे कसरे रजा तो बहुत बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखा दो, फतावे रजविया तो एक करामत है, तुम हदायत बख्शिश ही पढ़ के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इल्मे आला हजरत। हसन भाई वो आला हजरत ने जो मुफ्ती के लिए उलूम बताए हैं ना, उलूम जिसका इमला सही ना हो और जिसकी उर्दू सही ना हो, उर्दू तो उर्दू, जो आलमियत सही से पढ़ा हुआ ना हो वो ही ना पढ़ पाएगा नकल के साथ, रटना तो दूर की बात है। मेरे आला हजरत, अबे दुनिया ने कोई आला हजरत बिलाई वजह माना? मैं देख रहा हूँ, मैं उन मुजाविरों की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक मुजाविर साहब, मुजाविर भी नहीं कहना चाहिए, डाकू है मुजाविर तो एक अच्छी इस्तलाह है भाई, जो खिदमत करते हैं मजार की, वो एक औरत का वो बांध रहा है मामा,
ये आला हजरत से चिढ़ते यूं ही तो हैं। अरे आला हजरत का जो मौकफ है वो तने तनहा उनका थोड़ी है, वो तो वो है जो हुजूर ने दिया, सहाबा का है, अहले बैत का है। और अपने भारत का, भारत की बात करो तो जो गरीब नवाज का मौकफ है वही आला हजरत का है। आला हजरत से चिढ़ने की वजह यह है कि चूंकि इस सदी में नाम उनका ज्यादा लिया जाता है इसलिए चिढ़ते हैं। वो मकसद क्या है कि मजारों पर बैठ के डाका डालें, एक औरत को छूने की इजाजत नहीं है। अरे यार गैर महरम हो तो देखने की इजाजत नहीं, तुम उसके सर पे अमामा लपेट रहे हो, अमामे की भी तौहीन कर रहे हो। ऐसे ही लोग आला हजरत के बारे में बकवास करते हैं। अगर आला हजरत को समझना है तो फिर सदर शरिया को पढ़ना होगा, आला हजरत को समझना है तो अजमलुल उलमा को पढ़ना होगा, मुरादाबाद के सदर फाजिल को समझना होगा, आला हजरत को समझना है तो शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी को पढ़ना होगा, मुहद्दिस आजम हिंद को पढ़ना होगा। बड़े बड़ों ने जब आला हजरत को पढ़ा तो खुदा की कसम उन्होंने मोहब्बत के साथ यही कहा था, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समझ आ गए हो सिक्के बिठा दिए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। ये गुलू नहीं है, ये सच्चाई है। जब कुरान की आयतों के हवाले से साइंसदानों ने बकवास की तो मेरा रजा था, जो आपने जमीन के हवाले से किताब लिखी थी और ऐसी किताब के बड़े बड़ों को समझने में पसीना आ जाता। हमारे आला हजरत की बात करते हैं, अबे जिस मौजू पे लिखते हैं ना किताब का नाम भी वही लिखते हैं, लिखते हैं, यानी किताब के नाम से साबित हो जाता है कि किताब है किस टॉपिक पे, और उसी नाम से तारीख भी निकल के आती है कि किस सन हिजरी में लिखी थी। ये हमारे आला हजरत हैं। और अशार की बात मैं कर रहा था, बात खैर काफी दूर निकल आई। मैं ये कह रहा था, आप लोगों को समझा रहा था कि इल्म हासिल करने के लिए बड़ी परेशानियां उठाना पड़ती हैं। वो मिस्र में हजरत, मिस्र में जामे अजहर में कई कई अहबाब ने बताया कि जब वहां आला हजरत की किताबें पेश की गईं तो वो हैरत में पड़े हुए थे, कह रहे थे यार अजम में इतना बड़ा आलिम पैदा हो गया, चूंकि वो तो अरब हैं और आला हजरत की तो अरबी भी ऐसी सुबहान अल्लाह फसीह बलीग, बड़े बड़े लोग। ये सच्ची बात है इसमें मैं, और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आला हजरत का जब हवाला पेश हो तो दीगर बुजुर्गाने दीन का भी हो, ताकि दुनिया ये समझे, चूंकि कुछ हासिदीन भी है ना सोचते हैं ये आला हजरत नहीं कहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है, आला हजरत ने वही कहा है जो सारे बुजुर्गों ने कहा है। हाँ, जो हुजूर से सहाबा और सहाबा से ताबीन ऐसी आगे बढ़ता रहा। अपने भारत में आ जाओ तो मुजद्दिद अल-फिसानी ने वही कहा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने वही कहा, शाह अब्दुल अजीज की तोहफा इसने अशरिया पढ़ो रद्द रवाफिस पर वो भी वही, शाह अपने बदायूं के अल्लामा ताजुल फहूल बदायूं अलैह रहमत जो आशिक रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह और जिनकी मदह में खुद आला हजरत ने लिखा है माशाल्लाह, इतने बड़े अकाबिर किचोचा हो। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है आप लोगों से कि अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, झगड़ों से बचा लो यार अपनी नस्लों को, और झगड़ा हो ना तो खुद ही निपटा लो। बुरी तो नहीं लग रही हुई मेरी बात ना, दो तीन आदमी बड़ी घुरिया के देख रहे हैं। आला हजरत कहते हैं अपना मामला खुद हल करो, वरना दोनों पार्टियों से पैसा बराबर जाएगा और दोनों के आदमी बराबर जाएंगे जेल में, एक दो इधर उधर हो सकता है। बड़े बूढ़ों को, हर पार्टी में समझदार लोग भी होते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। पता है फितने क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि समझदार लोग पीछे हट जाते हैं, अमन पसंद लोग डर जाते हैं, यार हम क्यों पढ़ें? पढ़ना चाहिए, अगर हमारे पढ़ने से आग बुझती हो तो पढ़ना, थोड़ी देर की बुराई तो आएगी, बस बच्चों को पढ़ाओ। देखो याकूब को इमाम आजम अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ को रखा, एक दिन आ गई उनकी अम्मा, कहा भाई मेरे बेटे को तो मेरे हवाले कर दो, घर का खर्चा इसी की कमाई से है। मेरे इमाम आजम ने कहा ए बूढ़ी माँ ये बता तेरे घर का खर्चा कितने पैसों में चलता है? आया है उस्ताज भी हो तो फिर हमारे इमाम जैसे, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? मैं बच्चों से भी कहता हूँ बेटा जब फारिग हो के बड़े बन जाओ ना तो उन्हें मत भूल जाना जिन्होंने तुम्हें कायदे बगदादी पढ़ाया, जिन्होंने तुम्हें यस्सरनल कुरान या नाजरा पढ़ाया तो उन्हें भूल मत जाना, बल्कि अपने असाज़ा को देखा करो तो कहा करो खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुफन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। मुफ्ती साहब तशरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आदम, खत्म कर रहा हूँ, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, सबका लिहाज, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहिए, अल्लामा मुफ्ती यूनिस साहिब, हम लोग खड़े हो जाते हैं, आप लोग बैठे रहिए। हजरते अल्लामा मुफ्ती यूनिस रजा कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत आमदे उलमाए अहली सुन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाल्लाह भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं मौलाना हसनैन साहब, मैंने जिक्र किया है माशाल्लाह अल्लाह ताला। बैठिए बैठिए, कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शोरा आफाक खतीब माशाल्लाह, और मैं तो बल्कि कहता हूँ ये सिर्फ खतीब नहीं है, बेहतरीन अदीब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो ये तवज्जो ना दें तो बात अलग है, वरना बहुत गहरा आदमी है ये अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। हमारे यहाँ नखासिख उलूम में माशाल्लाह बहुत से बच्चे, और अभी इसी दरमियान हजरत मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला मौलाना कमर साहब, इन्होंने हमारा इम्तिहान लिया था कादरिया में, जब हम सालसा में पढ़ते थे तब हजरत ने हमारा इम्तिहान लिया था माशाल्लाह। और सादा शख्सियत हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एक एतबार से ये हमारे सीनियर हैं, हम इनके जूनियर हैं, क्योंकि इनके उस्ताद और हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब के उस्ताद और मेरे उस्ताद एक ही हैं, हजरत मुफ्ती इसहाक साहब को बुला कैमरी वाले। अरे वो भी सादा सी शख्सियत है मगर बहुत गहरी शख्सियत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हजरत का साया दराज फरमाए। ये बात मुकम्मल करूँ तो इमाम आजम ने कहा, बूढ़ी माँ ये बता तेरा खर्चा। कब? अरे तुम खर्चे से क्या लेना, कब बता तो। का इतना खर्चा मेरे घर का है। का देख तुझे खर्चा भी मैं दूंगा लेकिन याकूब को मेरे हवाले कर दे, क्योंकि तेरे बेटे की पेशानी पर मैं जो लकीरें देख रहा हूँ बूढ़ी माँ वो तुझे नजर नहीं आ रही है। तेरा बेटा एक दिन वो आएगा कि बादशाहों का खाना खाएगा, रोगने पिस्ता खाएगा, रोगने पिस्ता। यहाँ पिस्ते नहीं मिलते, वो रोगने पिस्ता। और एक रिवायत में है आपने कहा जाफरान और बादाम का हलवा। जरा जोर से बोलो, जाफरान और बादाम का हलवा। अब देखो बूढ़ी माँ मुतमईन हो गई, चूंकि उनको सैलरी चाहिए थी तनख्वाह। इमाम आजम वो तनख्वाह देते रहे और वो याकूब से अबू यूसुफ और फिर चीफ जस्टिस बने। अल्लाह अल्लाह, नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह। मगर गवर्नमेंट के दबाव में नहीं आते थे, जो शरीयत का फैसला होता था वही करते थे। इमाम हजरत इमाम अबू यूसुफ अल मुतवफ़ा 182 हिजरी, जलालत इल्मी का झंडा कल भी फजल व कमाल की चोटियों पर लहरा रहा था और आज भी लहरा रहा है। इमाम आजम के साथ जब जिक्र होता है तो शेखैन कहा जाता है, इतनी बड़ी शान है इमाम अबू यूसुफ की। एक दिन खलीफा वक्त के दरबार से हलवा पेश हुआ, वही हलवा जाफरान और बादाम का बना हुआ हलवा। या फिर ये कि एक दफा आप तशरीफ फरमा थे तो आपकी बारगाह में रोगने पिस्ता पेश किया गया और आपने जब वो खाना देखा तो अपने उस्ताद की दुआएं याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए कि मालिक मेरे उस्ताद ने जो दुआ दी थी आज पूरी हो रही है। इसलिए मैंने कहा फारिग होने वाले तलबा से या जो फारिग हो चुके हैं पढ़ रहे हैं, कभी भी अपने असातिज़ा को भूला मत देना। कामयाबी के किसी भी जीने पे पहुंच जाओ उन्हें याद रखो जो तुम्हें उस वक्त चाहते थे जब तुम्हें कोई जानता भी नहीं था। अपने माँ बाप को भी कभी मत भुला देना। ये भी नहीं हो कि काबिल हो गए तो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान रहे हो, अपने असाज़ा को नहीं पहचान रहे हो। अरे ये उस्ताद ही तो होता है जो तुम्हें बोलना सिखाता है यार, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करना सिखाता है। ये आखिरी बात, और मौलाना कमर साहब बस आपकी बात का लिहाज करते हो हजरत, ये मैंने 5 मिनट बढ़ाए। अभी इराक से खबर आई इसी महीने में, एक माँ को, हमारी माएँ भी सुन रही हैं, इनको भी मैं कहूँगा, चूंकि माओं को भी बड़ा हौसला होता है पढ़ाने का और बड़ा जज्बा होता है। जाहिर है हम आप यहाँ सब बैठे हैं जितने भी देख रहे हैं, हमारी तालीम के पीछे हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। वो हमें ना पढ़ाते तो शायद आज हम आपके सामने गुफ्तगू नहीं कर रहे होते। तो वो स्कूल पढ़ने जाता था, अब पढ़ के जब आया तो उसकी माँ ने एक दिन उसकी कॉपी पे उसके नाम के आगे तैयार लिख दिया। तैयार अरबी में कहते हैं पायलट को। ये अभी की इसी मतलब दिसंबर की खबर बता रहा हूँ आपको, ये जो वायरल हुई खबर दिसंबर में वायरल हुई। तैयार लिख दिया, माँ से कहा माँ तूने तैयार क्यों लिखा। कहा बेटे मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ, दीन की तालीम तो हासिल करेगा तू मगर मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ। आये हाय हाय, उसने ऐसी ठानी कि माँ तूने मुझे पैदा किया है, सारी हड्डियां टूट जाएं, जितना दर्द होता है ना उतना दर्द हमारी आपकी पैदाइश में हमारी और आपकी माओ को हुआ था।
माँ तेरा ख्वाब पूरा करूंगा। और उसने जो साहब पढ़ना शुरू किया है 1988 में ये कॉपी, उसने बजाबता उसका फोटो भी वायरल किया। और माशाल्लाह देखो अभी यही दिसंबर में उसकी माँ ने उमरा किया और उसकी माँ ने ये कहा था बेटे मैं जब मदीना जाऊं या मक्का जाऊं तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस जहाज में जाऊं उस जहाज का पायलट मेरा लाडला हो, मेरा बेटा हो। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह। और बेटे ने साबित करके दिखा दिया उस माँ की दुआओं से, उस माँ के दिल से कितनी दुआएं निकल रही होंगी। जो माँ जब चढ़ रही होगी फ्लाइट पे, अंदर एंटर कर रही होगी, वो सामने पायलट बेटा अपनी माँ को सैल्यूट कर रहा होगा। और उसने सिर्फ सैल्यूट नहीं किया कमर भाई, उसने अपनी हिस्ट्री लिखी है, मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था। वो कहता है मेरी माँ जब एंटर हुई पायलट यानी हवाई जहाज के अंदर तो मैंने माँ के कदमों को चूमा और कहा माँ आज जो बुलंदी नजर आ रही है वो तेरे कदमों की धूल की बरकत है। आपने भी माशाल्लाह अपने माँ बाप को उमरा कराया मौलाना कमर साहब आपने, अच्छा माशाल्लाह हज कराया आपने, माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे। तुमसे भी कहता हूं यार प्लॉट खरीदते रहते हो, कारोबार करते हो, अरे अपने माँ बाप को मक्का मदीना भी दिखा दो यार, साथ चले जाओ उन्हें हज करा दो। अल्लाह ताला मेरे वालिद मरहूम की मगफिरत फरमाए। खैर जमाने तालबे इल्मी था, तबीयत नासाज थी, मौलाना कमर साहब आप थे, हमें माशाल्लाह रुख्सत करने आए थे, मुझे वो वक्त याद नहीं है। ये मेरे बड़े अच्छे जिगरी दोस्त मेरे रूम पार्टनर हैं। तो उसी जिस साल हमारी फरागत थी उस साल वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया था, लेकिन मैंने में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वालदा के साथ हज किया ताकि उनकी दुआएं मुझे मिल जाएं। क्योंकि माँ बाप का मामला इतना बुलंद होता है यार, माँ बाप जब नहीं रहते हैं तब एहसास होता है कि माँ बाप क्या होते हैं। अपनी माँ की भी कदर करो, अपने बाप की भी कदर करो। और उस बेटे ने पायलट बन के ये साबित कर दिया कि लोहा जितना तपता है उतना ही प्रखर निखरता है, और सोने को जितनी धार लगे उतना ही खूब तेज चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। राहत इंदौरी साहब इंतकाल कर गए, उन्हीं के शेर पे तकरीर खत्म। इंशाल्लाह फिर कभी आया तो बाकी बात होगी। और माशाल्लाह जो खतीब तशरीफ फरमा आप सुनेंगे, सुनते ही रहते हैं माशाल्लाह, बहुत सीनियर है हमसे, दिल बाग बाग हो जाएगा। राहत इंदौरी साहब का ये शेर, ए बच्चों तुम्हारे लिए जो जवान यहाँ बैठे जो स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं तुम्हें जज्बा दिलाने के लिए, राहत इंदौरी साहब का ये शेर पढ़ रहा हूँ और अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है।